have finally reached Goa and I'm so excited. Next 5 days of my life are going to be very exciting. And देखते हैं क्रिसमस यहाँ पे स्पेंड करने वाले हम लोग. वी आर देयर हियर टिल 28th. टुडे इज 23rd एंड आई एम जस्ट लविंग द वाइब. गोवा एंटर करते ही जो हाउसेज वगैरह मुझे दिखे ना, एवरीथिंग वॉज लाइक लाइटेंड अप. हर जगह पे लाइटिंग लगी थी एंड वो जो रो हाउसेस थे छोटे 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 एंड बड़े बड़े बंगलोज भी थे. आई जस्ट फेल्ट दैट वाइब. सीरियसली टू गुड मैन. लेट्स सी नेक्स्ट 5 days कैसे होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं हम लोग. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू चेक आउट ऑल ऑफ द थिंग्स आई डू इन गोवा एंड एक्सप्लोर हियर एंड व्हाट इज द करंट कोविड सिचुएशन इन गोवा एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल शो यू द होम टूर नाउ. ओके, तो वो है हमारा घर जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं. वो देखिए, वो गैलरी ऊपर की वहाँ पे. एंड दिस इज़ अ क्यूट स्मॉल हट उन्होंने बनाया है क्रिसमस के लिए. जीसस कैसे बॉर्न हुए उनकी स्टोरी क्यूट में बताई है. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. इतना मस्त दिख रहा है ये एंट्रेंस. आई एम जस्ट लविंग. पता नहीं ऊपर घर कितना मस्त होने वाला है. लेट्स गो इन. ये मस्त डेकोरेशन क्रिसमस ट्री का बनाया हुआ है एंड दीज आर द लाइटिंग्स डन. ये है रिसेप्शन एरिया. यहाँ पे उन लोगों ने हमारा टेम्परेचर वगैरह चेक किया एंड टुक आर नेम्स. मैं आपको केयर टेकर से भी मिलाऊंगी. एंड दिस इज़ द एंट्रेंस एरिया जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे. यहाँ पे ऐसे रूम्स बनाए हुए हैं. दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर. हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है. तो यहाँ से एक लेन जाती है अंदर. अगर तुम लोग बीच से वगैरह आते हैं तो यहाँ पे अंदर जाके पैर वगैरह धोना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गो अप. उसके बिना ऊपर एंट्री नहीं देते हैं वो लोग. तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, हमारा रूम आ जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर. यहाँ पे रूम्स है एंड देयर इज़ अ क्यूट मिरर ओवर हियर एंड देयर इज़ मी. बुक्स भी बहुत सारे इन लोगों ने दी है. हॉस्पिटैलिटी इज़ जस्ट अमेजिंग गाइस. फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है. सो ऊपर चलते हैं. And this is the entrance to our house. Okay, so enter करते ही left side में एक छोटा सा ये sofa मिलेगा आपको बैठने के लिए. Then comes a room. एक single bed है. यहाँ पे मस्त paintings किए हुए हैं. And ये queen size वाला बड़ा bed. देन इन लोगों ने एक बड़ा सा वार्डरोब भी दिया है अगर कुछ सामान अपना रखना है कपड़े वगैरह के लिए. सो बहुत बड़ा है, दो लोगों के लिए आराम से हो जाता है. एंड दिस इज़ अ क्यूट टेबल. ये मिरर है. बाहर निकलते हैं यहाँ से. देन कम्स द लिविंग एरिया. यहाँ पे मस्त एक छोटा सा डाइनिंग टेबल दिया है. एंड किचन एरिया में खाने के लिए उन लोगों ने यूटेंसिल्स, ये छोटा सा टेबल दिया हुआ है. फ्रिज भी है, खाली है फ्रिज, बट देन यू कैन कीप थिंग्स एंड यूटिलाइज इट. एंड फिर आता है ये मिरर. देन कम्स द लिविंग एरिया अगेन. क्यूट है, छोटा सा है. सोफ़ा सेट, टीवी भी दिया है एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग गाइस. कूलर है एंड ये एक छोटा सा एरिया है, सिटिंग एरिया. यहाँ पे काउच पे बैठ के यू कैन जस्ट एन्जॉय चिल. मतलब जो लोग दारू वगैरह पीते हैं उनके लिए ये परफेक्ट टेबल लग रहा है मुझे. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द गैलरी आउट देयर. ओके, सो लेट्स गेट इन, क्लोज द डोर. फिर चलते हैं दूसरे रूम में. ये है अपना लिविंग एरिया एंड अगेन दिस इज़ मी. एंड ये सेकंड रूम है जहाँ पे दो क्वीन साइज बेड दिए हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड बेड. एंड ये भी काफ़ी बड़ा रूम है. एसी भी है रूम पे. एंड दिस इज़ द स्मॉल टेबल जहाँ पे बैठ के वर्क कर सकते हो. ये आती है अलमारी. ये भी बहुत बड़ी अलमारी दी हुई है उन लोगों ने. उस रूम पे जैसे था वैसे ही इधर भी दिया हुआ है. एंड देन कम्स द वॉशरूम फॉर दिस रूम. ये है वॉशरूम एंड दिस इज़ द क्यूट मिरर अगेन.
फिर और एक गैलरी दी है, जैसे लिविंग एरिया के लिए थी वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, स्ट्रक्चर इज सेम। यहाँ पे और एक काउच भी दिया है बैठने के लिए, यू कैन सिट एंड चिल ओवर हियर, एंड अगेन दिस इज़ द व्यू आउट देयर, एंड दिस इज़ मी। ये लिविंग एरिया के लिए अलग सा वॉशरूम भी है, मतलब टोटल दो वॉशरूम्स है, दिस इज़ फॉर लिविंग रूम एंड वो था बेडरूम के लिए, एंड दिस इज़ अगेन मी। डील बहुत अच्छी मिली है हमको गाइस, मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हुए हैं, वेयर वी आर स्टेइंग, व्हाट इज़ द प्राइस एंड एवरीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट देम देयर। सो गाइस आई एम रेडी एंड हम लोग जा रहे हैं बाइक रेंट के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी फोर व्हीलर लाई है, बट स्टिल व्हाट वी थिंक इज यहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो गाड़ी जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आते टाइम हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है। सो व्हाट वी थॉट कि बाइक रखेंगे वैसे ही, एंड वील टेक टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स के रेट्स हम लोगों ने पूछे हैं जो अभी गोवा आके गए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स 500 और 600 ऐसे कुछ तो रेट्स है, अभी जाके देखेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सो आफ्टर दैट आई थिंक बागा बीच जाएंगे या फिर कोई तो मार्केट में जाएंगे, बट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इवनिंग एज वेल, मेक सीरीज ऑफ दिस गोवा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू चेक आउट क्या क्या है गोवा में, हाउ इज द क्रिसमस गोना बी। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे। ओके सो हम लोग जा रहे हैं बाइक रेंट करने के लिए, एंड हम लोग जाएंगे चलते। एंड यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मुझे तो लगता है सब लोग यहाँ पे क्रिश्चियन है। दिस इज़ द विला वी आर स्टेइंग इन, डी मेलो गेस्ट हाउस। तो जहाँ पे भी हम लोग खड़े हैं ना, यू कैन सी सब जगह पे लाइटिंग्स लगे हुए हैं, एंड एवरीवन, आई थिंक एवरीवन इज़ क्रिश्चियन, एवरीवन सेलिब्रेट्स क्रिसमस ओवर हियर। तो जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं अभी वो है कलंगूट एरिया, इसके साइड में ही कैंडलिम का बीच है। कैंडलिम और कलंगूट 5-10 मिनट की दूरी पे है बीच। तो यहाँ पे हर एक टूरिस्ट जो आता है टू व्हीलर और फोर व्हीलर बाइक्स रेंट करता है, यहाँ पे वो बिजनेस ही हो गया है। तो आप लोग कहीं किसी भी एरिया में जाओगे 10-10-15 मिनट की दूरी पे आप लोगों को हर एक शॉप दिख जाएगा बाइक और कार रेंटिंग के लिए। सो ये ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप लोग अगर ट्रेन से या बस से भी आते हो तो आप लोगों को आसानी से टू व्हीलर और फोर व्हीलर मिल जाएंगे। यहाँ पे जो टैटू का दिख रहा है उसके साइड में हम लोग अभी जा रहे हैं क्रॉस करके। ओके तो यहाँ पे इतना बिजनेस बन गया है कि 23 दिसंबर को वो बोल रहे 500 रुपीज़ है, एंड 24th नेक्स्ट डे द प्राइस इज़ गोइंग टू बी 800 रुपीज़। तो इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है इन लोगों का बाइक का, एंड हमको जो डील मिल गई है वो 500 रुपीज़ पर डे की है। हमने सोचा कल 300 रुपये एक्स्ट्रा देने से अच्छा है अभी 500 रुपीज़ दे के ले लें। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द कलंगूट बीच, एंड ये है सारी नाइट लाइफ गोवा की। हर जगह पे लाइटिंग्स लगे हुए हैं, एंड क्रिसमस इज़ मतलब बहुत बूम में चल रहा है क्रिसमस यहाँ पे। सो लेट्स एन्जॉय द नाइट लाइफ हियर until we reach the beach. तो गाइज अभी हम लोगों ने गाड़ी रेंट कर ली है, एंड आफ्टर रेंटिंग अभी हम लोग आए हैं पेट्रोल भर के अंजुना बीच। हम लोगों ने देखा ही होगा कितनी भीड़ चल रही है अभी भी गोवा में, एंड दिस इज 23rd of December। सजे सज धज के हैं, एंड लोग ऐसे सैंड में
फन इन गोवा ट्रूली। तो अभी आज हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे। अभी वी आर गोइंग बैक, खाना खाएंगे कहीं पे। तो ये ज़्यादा टाइम मार्केट दिखाती हूँ मैं आपको, कलंगूट बीच के यहाँ पे जो मार्केट है बाहर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेट्स एक्सप्लोर दैट एंड देन कल से हम लोग अच्छे से एकदम बीच पे वगैरह टाइम स्पेंड करेंगे। आज ट्रैवलिंग की वजह से बहुत थक गए हैं। तो बाहर निकलते ही बीच के ऐसे मार्केट चालू हो जाता है, कलंगूट मार्केट। तो हर तरह की चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, बैग्स, हैंडबैग्स, वाइन शॉप भी है, वो तो हर जगह पे मिलेगा गोवा में। फिर कपड़े, शूज़, चप्पल, एनीथिंग यू वांट इज़ अवेलेबल हियर। मैं इसका एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी ताकि यू अंडरस्टैंड द प्राइजेस एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन गोवा हियर इन दिस मार्केट। अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे कलंगूट बीच के सामने, मतलब थोड़ा सा आगे द एवेन्यू बुटिक करके होटल है, ये अगर आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, सो लेट्स गेट इन। ओके, सो अभी अंदर चलते हैं एंड लेट्स चेक आउट कि क्या प्राइजेस है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर गोवा में फूड कैसा है, बट मैंने बहुत सुना है इट्स वेरी कॉस्टली। वाओ, सो दिस इज वंडरफुल। ये क्रिसमस के डेकोरेशंस गोवा में हर जगह पे आपको दिखने मिलेंगे एंड एवरीवेयर इट इज़ समथिंग यूनिक, सेम चीज़ कहीं पे नहीं दिखेगी एंड दिस इज़ द वाइब। होटल ज़्यादा भरा हुआ नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 11:45, खाने का टाइम निकल चुका है। हम लोग घूमते घूमते खाना भूल गए थे पूरा, सो लेट्स गो एंड दिस इज़ मी। तो गाइज अभी मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करने वाली हूँ क्योंकि हम लोगों ने कलंगूट के यहाँ का मार्केट देख लिया है पूरा एंड अभी हम लोग घर जा रहे हैं। इट्स अराउंड 11:45 और अभी भी सब कुछ खुला हुआ है यहाँ पे। आज ट्रैवलिंग किया हुआ है, फर्स्ट डे है, तो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले। तो मैं गोवा की सीरीज़ बना रही हूँ, फर्स्ट डे वॉज एब्सोल्युटली द बेस्ट। अभी कल से देखते हैं क्या क्या प्लान्स होने वाले, क्या नहीं होने वाले। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सीरीज, सब वीडियोस देख लीजिए एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड थोड़ा सपोर्ट करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो सो दैट यू गेट द अपडेट्स ऑफ द वीडियोस आई पोस्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।